हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ जानकारियाँ ली। कंप्यूटर के टोपोलॉजी, नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में भी हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। जब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ता है तो किसी न किसी माध्यम से जुड़ता है, किसी किसी मीडियम के थ्रू। तो उसी मीडियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं, दो मीडियम्स है एक्चुअली, या ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है दो तरह का होता है। एक है गाइडेड मीडिया, एक है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मतलब जिसको रास्ता बतलाया हुआ है, यानी कि ये तार के बारे में होता है, वायर के बारे में बात हो रहा है। गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, जहां तार हो, और अनगाइडेड मीडिया जो होता है वो बेतार होता है, यानी तार वहां नहीं होता है, वायरलेस होता है। गाइडेड मीडिया में जैसे तरह तरह के केबल्स होते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। अनगाइडेड मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, मगर उन सभी का इस्तेमाल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता है, इन तीन का ही इस्तेमाल होता है। जैसे रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है माइक्रोवेव का वेवलेंथ, और उससे भी कम होता है इंफ्रारेड। और वेवलेंथ के हिसाब से एक रेंज है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, या वेवलेंथ देखिए, वेव का जो लेंथ होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। जैसे ये मैं एक वेव बना रहा हूँ, ये बड़ा हो गया, छोटा छोटा वेव, इसका लेंथ वेव का कम हो गया। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बड़ा होता है, माइक्रोवेव का उससे थोड़ा छोटा होता है, इंफ्रारेड का और भी छोटा होता है, और इसके आगे भी है का और भी छोटा होता है। ये मैं सब बतलाऊंगा आपको। आसान शब्दों में समझिए कि ट्रांसमिशन दो तरीके से होता है, एक गाइडेड मीडिया यानी कि तार के माध्यम से, जिसमें तीन प्रकार का तार के बारे में जिक्र किया हुआ है, और वायरलेस अगर करना है तो वायरलेस मीडियम हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है। आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए, एक दूसरा आर्टिकल मैंने, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में डेटा, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कॉन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक। फिजिकल तार से जुड़ा रहता है। इसका फीचर क्या है? ये हाई स्पीड होता है, सिक्योर होता है, और यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। छोटा डिस्टेंस में अगर है, कम डिस्टेंस में है, तो ये किया जाता है। इसका स्पीड हाई होता है, ये सिक्योर होता है, मतलब इसको ब्रीच कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तार है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तार के माध्यम से, और तीसरा उसमें कहां से आएगा। वायरलेस में क्या है कि हवा में सिग्नल तैर रहा है तो हम उसको कैच कर सकते हैं, कोई भी कैच कर सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। थ्री मेजर टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया है, तीन मुख्य प्रकार के हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है? अच्छा, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर दिखलाते हैं, या फिर पहले आप देख भी सकते हैं, यहाँ अच्छा से डायग्राम नहीं है, दूसरे ये में दिखाया हुआ है, देखिए। इस तरह का जो केबल होता है ना, इसे ही हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, ये आपने देखा होगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स वुंड अबाउट ईच अदर, मतलब ऐसे ऐसे एक दूसरे में ट्विस्ट किया हुआ रहता है, वुंड किया हुआ रहता है। जनरली सेवरल सच पेयर्स आर बंडल टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव सेथ। प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर वो बहुत सारा पेयर इस तरह का हो सकता है जो किया हुआ रहता है। दे आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिशन मीडिया एंड ट्विस्टेड पेयर ऑफ टू टाइप्स। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसमिशन मीडिया है। आप ज्यादातर जहां भी देखिएगा, कोई ऑफिस चले जाइए, बैंक में चले जाइए, इसी तार के माध्यम से ही कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी दो प्रकार है, एक है अनसील्डेड, जिसमें सील्ड नहीं होता। अब ये क्या है ये भी बताओ। अच्छा देख लीजिए पहले अनसील्डेड, यहाँ देखिए आपका, ये देखिए इस डायग्राम को देखिए, इसमें देख रहे हैं एक कोटिंग है मेटल, कुछ मेटल का, इसमें देखिए वो चीज नहीं है। तो ये हो गया सील्डेड, ये हो गया अनसील्डेड। यहाँ देखिए ये एक लेयर है, एक सील्ड किया हुआ अलग से, यहाँ पर देखिए ये सील्डेड हो गया, ये अनसील्डेड हो गया। समझ में आ रहा है? इस डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए ये पोर्शन, ये थोड़ा सा सील्ड यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, जबकि यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यही सील्डेड और अनसील्डेड का अंतर है, देख सकते हैं आप। इसको पढ़ते हैं ये क्या है और उसमें क्या फायदा नुकसान है। UTP
unshielded twisted pair consists of two insulated copper wire twisted around one another. This type of cable has the ability to block interference and does not depend on physical shield for this purpose. This is used for telephonic applications. ये बता रहा है कि भाई दो तार इसमें एक दूसरे से ट्विस्टेड किया हुआ रहता है और ये डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, और एक माने दो तार जो इंटरफेयर किया हुआ है, दूसरा पेयर भी है, तीसरा पेयर भी है, तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है, ये आराम से ट्रांसमिशन कर देता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये खर्चीला नहीं होता है, कम खर्च सेल करने में तो खर्चा आएगा ना भाई, तो ये बच जाता है यहाँ पर। इजी टू इंस्टॉल है, हाई स्पीड कैपेसिटी तो होता ही है उसका। ये है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मिंग एसटीपी के मुकाबले इसका कैपेसिटी लोअर होता है, ये एडवांटेज सब बता रहा है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू एटेन्युएशन, इसमें एटेन्युएशन भी होता है। एटेन्युएशन का मतलब होता है अगर आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ लूज होने लगता है, वीक होने लगता है, उसे एटेन्युएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं जो आपसे ठीक 1 मीटर सामने खड़ा है, तो आपका वॉइस वो क्लियर सुन पाएगा। मान लीजिए 10 मीटर दूर खड़ा है और उसी इंटेंसिटी से आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देगा। अगर वो 50 मीटर चला जाता तो बिल्कुल कम। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो सिग्नल निकल रहा है मुझसे, आप जो बोल रहे हैं वो एटेन्युएट हो जा रहा है, उसका वीक हो जा रहा है दूर जाते जाते। तो इस तरह के केबल में एटेन्युएशन शॉर्ट डिस्टेंस में ही होने लगता है। अब आते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट, अ कॉपर ब्रेड कवरिंग और ए फॉइल शील्ड। ये कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम फॉइल का भी, या कोई दूसरा फॉइल भी हो सकता है। ये होता है टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जैसा कि इसमें बताया कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है, मगर सील्ड कर देने से क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फिर न के बराबर होता है। इट इज यूज्ड इन फास्ट डेटा रेट इथरनेट एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन लाइंस, जिसमें वॉइस और डेटा दोनों जा रहा है, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बाहरी इंटरफेरेंस कम होता है, नहीं होता है। एडवांटेज, बेटर परफॉर्मेंस देन यूटीपी, अनशील्डेड के मुकाबले ये बेहतर है। ये क्रॉस टॉक, मतलब डेटा क्रॉस टॉक जो हो जाता है, ये चीज खत्म हो जाता है इसमें। अनशील्डेड के मुकाबले थोड़ा फास्ट भी होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंस्टॉल करना और मैन्युफैक्चर करने में। जाहिर है इसको सील्ड करना होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाना होगा। अब वो सील्डेड है तो इंस्टॉलेशन के समय वो सील्ड वील्ड भी तरीके से हटाना होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहाँ पर। ऑब्वियस है कि खर्चीला होता है उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा, और ये भारी भी हो जाएगा। आप सोचिए कि जितना लंबा तार है उतना लंबा सील्ड भी लगा हुआ है, तो वजनी भी हो जाता है। यही है कोएक्सियल केबल, ये एक दूसरा माने ट्रांसमिशन मीडिया है, वाइड मीडिया ही। कोएक्सियल केबल कैसा दिखता है, आइए पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है कोएक्सियल केबल, इस तरह का जो डिश एंटीना वगैरह में यूज होता है, इस तरह का। बीच में कोर वायर रहता है, चारों तरफ सील्ड रहता है और इस तरह से रहता है, ये कोएक्सियल वायर से कहते हैं, कोएक्सियल केबल भी। ये क्या है, इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग। देखिए यहां समझा रहा है, इट हैज आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग एन इंसुलेटेड लेयर मेड अप ऑफ पीवीसी। पीवीसी एक खास प्लास्टिक होता है, उसका बना होता है, बाहर से वो ढका हुआ रहता है, या टेफ्लोन का भी हो सकता है। एंड टू पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग सेपरेट इंसुलेटेड प्रोडक्शन कवर। पैरेलल कंडक्टर, इनर कंडक्टर ये हो गया, लुक एट द माउस पॉइंटर, ये इनर कंडक्टर हो गया, ये आउटर कंडक्टर हो गया। मतलब क्या, यहाँ देखिए ये आउटर कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और बीच में ये कॉपर का, आमतौर पर कॉपर ही रहता है, एल्युमिनियम भी दे सकते हैं मगर कॉपर ही रहता है ये, और बीच में ये इंसुलेटर है, और ये पैरेलल ही जा रहा है, पैरेलल है बिल्कुल, ये कभी एक दूसरे से टच नहीं करेगा। तो ये इसका बनावट होता है, हैविंग सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। द कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स, बेस बैंड मोड डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ and broadband mode, cable bandwidth split to separate ranges। यानी कि ये बेस बैंड, अब ये बेस बैंड और ब्रॉडबैंड क्या है, ये हम लोग दूसरे क्लास नहीं समझेंगे, अभी पहले मीडिया के बारे में। आसान शब्दों में समझिए ब्रॉडबैंड क्या है, कि वो लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को हैंडल करता है, इसमें ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन होता है। बेस बैंड बेस फ्रिक्वेंसी को वो करता है। डेडिकेटेड केबल, डेडिकेटेड टाइप ऑफ
एक ही तरह का, कोई एक तरह का ही काम वो करेगा, एक तरह का सिग्नल वो ट्रांसमिट करेगा। ब्रॉडबैंड में तरह तरह का ये हो सकता है, ठीक है। केबल टीवी एंड एनालॉग टीवी नेटवर्क वाइज यूज, जैसा कि मैंने बताया केबल टीवी यूज होता है एडवांटेज, हाई बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ हाई होता है, मतलब कि इसमें ज्यादा ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रेवल कर सकता है। नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज मतलब बाहरी प्रभाव, जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है बाहरी प्रभाव इसमें कम होता है। इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इजी है इसको इंस्टॉल करना और ये उतना खर्चीला नहीं है। और ऊपर वाले में क्या था, ट्विस्टेड पेयर में क्या था, कई तार के पेयर थे जो एक ट्विस्टेड थे, यहाँ पर वैसा नहीं है, ये उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता रहता है। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये देख लीजिए, फाइबर ऑप्टिक्स इस तरह का, इसमें लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। इसका बनावट देखिए, ये देखिए बहुत सूक्ष्म, यहाँ पर आपको अगर ये देखिए, बहुत जरूरी है इस चीज समझना, ये देखिए कोर है, ये देखिए ये कोर, यहाँ देखिए पीछे डायग्राम क्लियर है, ये कोर है, ये पतला प्लास्टिक या कांच का, ये मतलब ग्लास का भी हो सकता है प्लास्टिक का भी हो सकता है ये। अब ये जो क्लैडिंग जिसको बोलते हैं वो उसका आउटर लेयर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है ये क्लैडिंग, ठीक है। और उसको प्रोटेक्शन के लिए एक एक लेयर कोडिंग है, फिर ये दूसरा मेम्ब्रेन है जो इसको मतलब और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करता है, और ये सबसे बाहरी सतह है, इतना लेयर बाय लेयर, ये अंदर में सबसे नीचे अंदर कोर रहता है, उसके ऊपर क्लैडिंग रहता है, ये मेन दो चीज ये है। इसके अंदर लाइट ट्रेवल करता है कोर के अंदर, और क्लैडिंग की मदद से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है लाइट की स्पीड से, वजह से। और ये इसका बनावट है, तो ये तो बहुत मैग्निफाइड है, और इसका अब ये देखिएगा तो ये इस तरह का रेशा युक्त रहता है ये। तो ऑप्टिक फाइबर में लाइट ट्रेवल करता है, लाइट सिग्नल को कैरी करता है वहां पर। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, कोर जो मैंने अभी दिखलाया आपको उसके अंदर लाइट ट्रेवल करता है, और वो जो कोर होता है वो ग्लास का या प्लास्टिक का हो सकता है बना हुआ। द कोर इज सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड क्लैडिंग, अभी अभी मैंने दिखलाया आपको, ये लेस डेंस होता है, ये मतलब डेंसिटी रहता है मगर कम रहता है, तो ये रहता है वहां पर, उसके ऊपर का कोटिंग ये रहता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हैं बहुत ही स्पीड से। द केबल कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शन मतलब जो एक दिशा में बहे, यूनिडायरेक्शनल दोनों दिशा से आ जा सकते हैं, तो दोनों ही हो सकता है। द डब्ल्यू डी एम यानी वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सर, अब ये वेवलेंथ वगैरह क्या है, ये अलग अलग माने सिग्नल का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो वही वही टेक्निक है यहाँ पर कुछ। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं फाइबर ऑप्टिक्स को बेसिक तौर पर, अब इसका डिटेल जब जानेंगे तब इन चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, अगर अभी हम इस पे घुस जाएंगे तो क्या होगा, अभी और भी चीजें बतानी है वो रह जाएगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज पढ़ते हैं, वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सर, अभी जो उसमें बतलाया गया कि ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, दोनों तरफ से डेटा फ्लो कर सकता है, तो ये जो दोनों तरफ से डेटा फ्लो कर सकता है वो इसकी मदद से होता है। दिस सपोर्ट द टू मोड नेमली द यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल मोड, है ना। यहाँ भी डायग्राम है, कोर है उसके ऊपर क्लैडिंग है, और उसके ऊपर फिर कोटिंग है, जैकेट है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका एडवांटेज इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविथ, इसका बहुत ज्यादा रफ्तार होता है, हल्का होता है ये तार, क्योंकि उसमें मेटल यूज हो रहा है और इसमें तो प्लास्टिक यूज हो रहा है या कांच यूज हो रहा है, तो हल्का होता है। लेस सिग्नल अटेन्युएशन, क्योंकि इसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट जो है वो आप देखिए कि आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, कहीं दूर पटाखा जल रहा है पर रॉकेट जाके, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि रॉकेट तो दिख गया हमको,
ये रॉकेट फटा है, मगर उसका आवाज सुनाई नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर में था, तो साउंड जो है वो अटेनुएट हो गया, वो खत्म हो गया, उसका एनर्जी लेस हो गया, वो आ ही नहीं पाया अब तक, जबकि लाइट अब तक पहुंच गया। तो इसीलिए इसमें सिग्नल अटेनुएशन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें लाइट ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का भी इम्यूनिटी रहता है, मतलब उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो क्लियर सिग्नल जाएगा। और रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल, जैसे तार वगैरह में क्या है ना, जंग लग गया या कुछ हो गया, कोरोड कर गया, तो इसमें सब होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी इसमें नहीं होता है। अच्छा, चीज इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये डिफिकल्ट टू इंस्टॉल है। जैसे दो तार कट गया है तो हम तार को काटेंगे, दूसरे का वैसे से करके जोड़ देते हैं, वजह से टेप मार दिया, हो गया। फाइबर ऑप्टिक्स में ये सब नहीं होता है भाई, अगर कट गया है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये इंस्टॉलेशन में इसका प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, ये महंगा होता है, जाहिर है कि ये अलग तरह का टेक्नोलॉजी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, तो ये सब है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अनगाइडेड मीडिया, यानी कि वायरलेस मीडिया के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।